नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं गामली रोड पे और यहाँ से चंद कदम की दूरी पे यहाँ का जो ये कहें सबसे फेमस यहाँ जो हॉस्पिटल है यानी यहाँ की डिस्पेंसरी है वो है, और हंसा डेयरी यहाँ से नज़दीक है और घोंडा चौक भी यहाँ से नज़दीक है। और मेरे पीछे आप देखिए, इस समय यहाँ पे जाफराबाद थाने की पुलिस है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि करीब 4 से 5 राउंड गोलियां चली हैं, फायरिंग हुई है, और यहाँ पे यह घटना करीब 6:30 से 7 बजे के बीच में हुई है। यहाँ पे आपसी लड़ाई का जो मामला सामने आया है, यहाँ पे एक जिम है बी फिटनेस जोन करके, उसके जो ऑनर हैं जिम के और उनके लैंडलॉर्ड यानी उस मकान मालिक के साथ वो लड़के मारपिटाई करते हैं और उसके बाद इसी चीज में वो फायरिंग करते हैं। फायरिंग करने के बाद इस पूरे इलाके में इस समय सनसनी फैल गई है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। लगातार इस इलाके में जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि क्राइम ग्राफ बढ़ता जा रहा है, मर्डर, लूटपाट और गोलीबारी तो इस इलाके के लिए आम हो गई है। किसी से पूछो तो वो कैमरे पर तो नहीं बोलता मगर ये जरूर बोलता है कि बहुत ज्यादा इस समय इस इलाके में ऐसा क्राइम ग्राफ बढ़ने लगा है कि सरेआम गोलीबारी, सरेआम मर्डर, लूटपाट, यह तो इस वक्त इस इलाके के लिए एक आम खबर हो गई है। इसी कड़ी में यहाँ पे इस समय हंसा डेयरी से चंद कदम की दूरी पे पंडित मेडिकल स्टोर के ठीक सामने और पंडित किराना स्टोर के ठीक सामने यहाँ पे ये जिम है जहां पे गोलीबारी होती है। 4 से 5 राउंड यहाँ पे गोले चलते हैं और इस समय थाने के जो जाफराबाद थाना लगता है उसके सभी पुलिसकर्मी यहाँ पे जांच कर रहे हैं और जिसके साथ यह हुआ है वो घायल बताया जा रहा है कि इस समय घायल हैं और उनको यहाँ पे भेजा गया है कि उनका ट्रीटमेंट हो, हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया है। मगर पुलिस इस समय जांच कर रही है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, क्या यहाँ पे कोई सेल मिले हैं, जो गोलियां चली हैं वो सब चली हैं क्या, ऐसी चीजें हैं कि जो गोलियां चली हैं उसके सेल यहाँ पे बरामद हुआ, आखिर कितने राउंड गोलियां चली हैं। मगर लोग जो बता रहे हैं वो 4 से 5 राउंड गोलियां बता रहे हैं और इस पूरे इलाके में इस समय देखिए अफरा तफरी का माहौल है और ये जाफराबाद थाना अंतर्गत उसके आता है। और इस समय ये देखिए, ये है वो जहां पे गोलियां चलती हैं और इसी के ऑनर से मारपिटाई होती है, इसके लैंडलॉर्ड जो है उनके साथ मारपिटाई होती है और उसके बाद यहाँ पे 4 से 5 राउंड फायरिंग होती है। जिस अंधेरे में पीतल सी दिखाई दे रही है, सेल है ये तो। ये देखिए इस समय जाफराबाद पुलिस इस समय जो थाने की है वो यहाँ पे लगातार सेल जो हैं, जैसा बताया जा रहा है कि करीब 4 से 5 राउंड यहाँ पे फायरिंग हुई है, वो यहाँ पे लगातार पुलिस इस समय सर्च कर रही है कि आखिर उसके जो सेल हैं वो कहाँ हैं, जो फायरिंग हुई है वो कहाँ पे हुई है, कैसे हुई है। देखिए लगातार इस समय पुलिस जाफराबाद थाने की इस समय सर्च कर रही है और ये देखिए ये पंडित मेडिकल स्टोर के ठीक सामने हुआ है। और हम आपको बताएं, ये देखिए ये बी फिटनेस जोन जो है इसमें बताया जा रहा है कि एक लड़के के साथ मारपिटाई हुई है और उसी को लेके यहाँ पे शायद फायरिंग हुई है। जो इसके जिम के जो ऑनर हैं, जो इस प्रॉपर्टी के ऑनर हैं, लैंडलॉर्ड हैं, उन दोनों के साथ बाहर के कुछ लोग आए थे, उन्होंने मारपिटाई की है, वो घायल हैं, उनको फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है ताकि उनका ट्रीटमेंट हो सके। मगर वो जो बताया जा रहा है यहाँ के लोगों द्वारा कि मारपिटाई से घायल हुए हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि कहीं भी गोली लगी है या गोली से घायल हुए हैं। और इस समय देखिए लगातार पुलिस यहाँ पे ये सर्च कर रही है, देखिए कि कहीं भी कोई भी ऐसी चीज हो तो वो दिखे। जैसा कि हमें लोगों ने बताया कि जिम में भी तोड़फोड़ हुई है क्योंकि कुलदीप के साथ यहाँ मारपिटाई हुई है और हम आपको वो चीज दिखाते हैं। ये देखिए इस समय हम जिम में आए हैं, ये देखिए ये जिम था, 6:30 बजे के आसपास की बात है। ये देखिए ये तोड़फोड़ की गई है, ये देखिए ये सारा यहाँ पे तोड़ा फोड़ा गया है, ये देखिए ये सारी चीजें यहाँ पे फाड़ दी गई हैं। ये कारण क्या था? कारण अभी पूरा स्पष्ट नहीं है। और जो ऑनर है वो कुलदीप है? जी कुलदीप ठाकुर। उसको मारा गया था? जी। बाहर के लोग थे? बाहर के लोग थे, 40-50 लोग थे करीब। 40-50 लोग थे? जी। और 3 से 4 राउंड फायरिंग के करे हैं, जिसमें से लोगों काफी बच गए। सीधी फायरिंग करी है तो उनके अगल बगल में से लगी फायरिंग सारी, मतलब उनको लगी नहीं। जी ये बगल में से जी बंदूक अटक गई थी उनकी, यूं कह रहे थे कि एक के रख दी थी और जब वो चलाई तो गोली अटक गई। गोली अटक गई जी। तो ये 40 से 50 लोग इसमें आए थे? जी 40 से 50 लोग आए थे, सारे बड़े थे, सारे 30-40 की एज के साथ के थे।
अरे बड़े लोग जी, तो क्या ये आपसी लड़ाई झगड़ा बताया जा रहा है? आपसी नहीं, अभी तो कुछ स्पष्ट नहीं है। मैं थानी यहाँ पे, मैं इसी जिम्मे हूँ। मैं थानी तो भैया भी अकेले थे और जिम्मे कोई था नहीं। वो आए एकदम से और हल्ला गुल्ला करते हुए आए और आते ही सीधा हाथों पे चालू, कोई बातचीत नहीं करी, सीधा मारा। जी सीधा मार चुका है जी, जिसमें वो घायल हो गए जी, करीब 15 से 20 मिनट तक मारा है। अब जी मुझे कुछ स्पष्ट नहीं है, बाकी अब आगे जो होती है कार्रवाई में वो बाद में पता लगेगा। मैं था जी। क्या नाम है जिसके साथ ये मारा? कुलदीप। कुलदीप नाम है। हाँ कॉर्नर वही है। हाँ जी सर। वो घायल हो गए हैं? घायल हो गए। हाँ पापा जाओ ना। हाँ पापा। इस समय ये पुलिस यहाँ पे खड़ी है और ये देखिए, ये जो वी फिटनेस जोन है यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है और कपिल नहीं कुलदीप नाम है उस व्यक्ति का जिसके साथ ये हादसा पेश आता है और 4-5 लड़के आते हैं जो बंदूक की यहाँ पे उससे फायरिंग करते हैं, गोलियां चलती है सरेआम। और ये फैमिली है जिसके साथ इस समय ऐसा मामला पेश आता है। पुलिस इस समय लगातार यहाँ पे जांच कर रही है और ये देखिए यहाँ पे अभी पुलिस सेल ढूंढ रही थी, वो भी हम आपको वीडियो दिखाते हैं। और इस समय पूरे इलाके में देखिए अफरा तफरी का माहौल है और ये देखिए पंडित जनरल स्टोर सामने है और पंडित मेडिकल स्टोर इस समय उसके ठीक सामने यह होता है। पुलिस जांच कर रही है। भाऊजी कितने बजे का मामला है ये? हम नहीं थे यहाँ। आप नहीं थे? आप यहाँ के लैंडलॉर्ड हैं? मालिक है? अरे भैया मैं बाहर से हूँ। आपके परिवार का कोई बच्चा है? आवाज हालत कैसी होती? फोन आया है? ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। गोली तो लगी ना? ऐसी कोई नहीं, तो नहीं गोली नहीं। लड़ाई झगड़े का जो मामला उसमें हुआ लगा, चोट लगी होगी शायद। अब ये हमें तो अभी यही पता ही है। ये रिलेटिव हैं कुलदीप के और जो कुलदीप नाम का व्यक्ति है, पहले बताया जा रहा था कि कुलदीप जो है उसको वो घायल हुआ है आपसी लड़ाई झगड़े में और यहाँ पे फायरिंग हुई है। ये देखिए इस समय उनके सभी रिलेटिव दोस्त जिम के जो लोग थे वो सभी यहाँ पे आ चुके हैं। यह घटना इस समय इस गामी रोड पे होती है और जिसमें यह कुलदीप नाम का व्यक्ति घायल बताया जा रहा है और यह 6:30-7 बजे के आसपास की घटना है। इस समय उनके सभी परिवार के लोग जिनको भी पता चलता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो करावन नगर के आसपास के रहने वाले हैं और उनके परिवार के लोग अब यहाँ पे आ चुके हैं। यह मामला क्या है, क्यों लड़ाई झगड़ा हुआ, क्यों यहाँ पे ऐसी नौबत आई, यह तो पुलिस के जांच के बाद पता चलेगा। पुलिस फिलहाल अभी इनकी फैमिली के लोगों को थाने लेके गई है इनके स्टेटमेंट, इनके बयान लेने के लिए। और कुलदीप को इस समय हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है जहाँ बताया जा रहा है कि वो फिलहाल ठीक है। मगर हम आपको बार बार क्लियर कर दें, यह मामला गोलीबारी का है, लड़ाई झगड़े का है, मगर लड़ाई झगड़े में ही उनको चोट लगी है कुलदीप को। कहीं पे भी उनको फायरिंग से जो गोलियां चली हैं उससे नुकसान नहीं हुआ है, ना वो घायल हैं इस चीज से। सिर्फ लड़ाई झगड़े में क्योंकि उनके साथ मारपीट की गई है उससे यह पूरा मामला बिगड़ गया है। और अब इस समय पुलिस उनके परिवार को थाने लेके गई है, ये थाना जाफराबाद लगता है और उसके अंडर में ये आता है। तो पुलिस लगातार यहाँ पे, अभी जैसा हमने आपको वीडियो दिखाई कि वो यहाँ पे जांच कर रही थी, पुलिस यहाँ पे जो गोलियां चली हैं उसके सेल ढूंढ रही थी कि कहीं कोई ऐसे सेल या गोली जो चली हैं वो मिल जाए। मगर बताया जा रहा है देखिए 2 से 3 राउंड ऊपर की तरफ यहाँ पे फायरिंग की गई है। ये पुलिस से जब हमने पूछा तो उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड बताया है कि ये यहाँ पे फायरिंग हुई है 2 से 3 राउंड और बाहर भागते समय 2 राउंड करीब और फायर हुए, यानी करीब 4 से 5 राउंड यहाँ पे फायरिंग हुई है। और ये गामी रोड हंसा डेयरी से चंद कदम की दूरी पे बुद्ध बाजार रोड के पास में हुआ है और ये पंडित मेडिकल स्टोर है उसके ठीक सामने हुआ है। और इस समय इस पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है, लोग घबरा गए हैं और हकीकत है कि यहाँ पे यह चीजें आम हो गई हैं, गोलीबारी छीना झपटी लड़ाई झगड़ा यह आम हो चुका है इस इलाके के लिए और लगातार क्राइम ग्राफ यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। भैया मेरे को 7 बजे मिली है खबर। 7 बजे? हाँ हाँ, मुख तो फोन गया है क्या गोली चल गई लड़के थे लड़का पे। हाँ। तब मैं आई भाग के। अभी क्या कंडीशन है? कुलदीप को ले गए, मोहिंद का छुना देखा। आपके बेटे हैं वो? हाँ मेरा बेटा है। पहले कभी चला हुआ? नहीं जी पहले कभी नहीं, 4 साल हो गई जिम को, कभी नहीं हुआ मेरे लड़के का। हाँ 50 लोग बता रहे हैं। सब देखा हो ना ऊपर जाके? हाँ तो बस हाँ तोड़ देखो, थाने वाले लगे हमको कुछ नहीं पता, ज्यादा गंभीर है सब तोड़ दिए गए सब। अच्छा,
हाँ रोड मारी है, रोड रोड से मारा है। इस समय की जैसा बताया जा रहा है कि 40 से 50 लोग आते हैं इस जिम में, कुलदीप नाम के व्यक्ति को यहाँ पे उसके साथ मार पिटाई करते हैं और बहुत बुरी तरीके से उसको मारते हैं। अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, बस ये शुक्र हुआ कि जैसा बताया जा रहा है कि जो बंदूक से फायर करते हैं जो पिस्टल वो यूज कर रहे थे वो फंस गई, यानी 4 से 5 राउंड की गोलियां चली हैं उसके बाद वो पिस्टल फंस गई। अगर वो फंसती नहीं तो हो सकता है आज यहाँ पे जो उनका इरादा था कि कुलदीप को मारने के पर्पज से वो यहाँ आए थे, हो सकता है आज उसको मौत के घाट उतार देते। अब ये जो हकीकत है कि इस इलाके के हम बार बार कहते हैं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के इस समय पुलिस फेल हो चुकी है, चाहे वो DCP हो यहाँ के, चाहे यहाँ के थाने हो, सभी का यही हाल है। हमेशा यहाँ पे गोलीबारी, लूटपाट, मर्डर, छीना झपटी ये आम हो चुका है। और सरेआम अभी कुछ दिन पहले ही सुमित को उसी के जिम के बाहर मार दिया जाता है, यह भी इसी इलाके की घटना है। और अब एक और जिम ट्रेनर के ऊपर, उसके ऊपर भी अटैक होता है, उसके जिम में घुस के तोड़फोड़ किया जाती है और करीब 40 से 50 लोग घुस के उसको मारते हैं, जिसमें उसकी पसलियां काफी डैमेज बताई जा रही हैं और वो इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी इसमें जाफराबाद थाना क्या एक्शन लेगा, DCP क्या करेंगे, यह देखने वाली बात है। मगर वही ढाक के 3 बात कि सिर्फ जांच होगी और पुलिस अपनी जांच करने के नाम पे खाना पूर्ति करेगी, मगर हौसले किस तरीके से बदमाशों के बुलंद हैं। यहाँ पे सरेआम गोली चल रही है, लूटपाट हो रही है और पुलिस हाथ पे हाथ धर के सिर्फ कार्रवाई कर रही है और जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। NBR TV गोंडा।